आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी लड़की से शादी करने से पहले आपको उससे क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, उसके बारे में क्या क्या जानना चाहिए। देखो, शादी ना बहुत बड़ा टास्क होता है, पूरी जिंदगी का सवाल है। ऐसा कोई छोटा मोटा गेम नहीं है कि आपने कर दिया, चला तो चला, नहीं तो क्या जाता है। शादी बहुत बड़ी बात है, आपके लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप लड़की के बारे में थोड़ा जान लो, थोड़ा पहचान लो। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन तैयार करे हैं जो कि आपको लड़की से पूछना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स के साथ रहने में कंफर्टेबल हो। देखो, आजकल लड़कियां ऐसी हो गई हैं जो कि अलग रहना चाहती हैं, जो कि न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहती हैं, साथ कोई नहीं रहना चाहता। तो यहां पर आपको लड़की से पूछना पड़ेगा कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स के साथ रह सकती हो। लड़की से थोड़ा खुलकर पूछना, थोड़ा दबाव मत डालना, लड़की जो भी कहती है उसको सुनो। यहां पर आपको चाहिए कि आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनो कि वो क्यों नहीं रहना चाहती, क्यों रहना चाहती है, तो उसकी बातें सुनो। हो सकता है कि लड़की आपके पेरेंट्स के साथ तो ना रहना चाहती हो, लेकिन आपके पेरेंट्स को अपने साथ जरूर रखना चाहे, तो भैया थोड़ा सुन लेना। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना है कि क्या तुम जॉब में इंटरेस्टेड हो। एक्चुअल में होता क्या है कि आजकल जो घर वाले होते हैं, जो ससुराल वाले, वो नहीं चाहते कि लड़की जॉब करे। तो अगर आपके पेरेंट्स नहीं चाहते या चाहते हैं, जो भी है, तो इससे रिगार्डिंग आपको लड़की से पूछना होगा कि क्या तुम जॉब करना चाहती हो, जॉब करना चाहती हो, बिजनेस करना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो, या जो भी करना चाहती हो उससे पूछो। और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये चीज आपके पेरेंट्स अलाउ करेंगे या नहीं। अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे वो लड़की को बताओ, अगर करेंगे तो क्यों करेंगे वो अपने पेरेंट्स को बताओ। आपको ना मेडिएटर बनना पड़ेगा, आपको लड़की की सुननी पड़ेगी, घर वालों को बताना पड़ेगा, और घर वालों को सुनके लड़की को बताना पड़ेगा। चुगली नहीं, लेकिन एक अच्छे तरीके से, जहां पर लड़का नीचे हो जाता है ना कि जो आप घर वाले कहो वो सही है, सब सही है, जो आप लड़की ले आओ मिले सही है। भैया दबाव मत लाओ, यहां पर आप शादी करने वाले कोई खिलौना नहीं है, थोड़ा मैच्योर बनो मेरे भाई। यहां पर कोई घर वाले टी शर्ट नहीं ला रहे कि कलर पसंद नहीं भी आए तो पहन लेंगे, भैया वो वाइफ है। अगला क्वेश्चन है कि आपके क्या क्या ड्रीम्स हैं। यहाँ पर लड़की के कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ गोल्स सेट होंगे जो लड़की बनना चाहती है, लाइफ में कुछ करना चाहती है। तो यहाँ पर ये तो सही नहीं है ना कि लड़की कुछ बनना चाहती है, कुछ सोच समझ के आपकी लाइफ में आ रही है, और आप होगी उसको कुछ करने नहीं देना चाहते। तो लड़की से पूछ लेना, और वो काम आपके पेरेंट्स अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे वो भी थोड़ा सोच लेना, ऐसे काम मत करना। पता लगा यहाँ पर लड़की डांसर बनना चाहती है और आपके घर वाले उसको कोई और ही नाम दे दें, तो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि क्या लड़की बनना चाहती है और आपके घर वाले वो चीज बनने देंगे या नहीं। और लास्ट में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट है कि लड़की को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दे देना, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि वो ना स्पेशल तैयार हुई है आपके लिए। तो आपको यहाँ पर चाहिए कि आप उसको कॉम्प्लीमेंट दो। शादी होगी नहीं होगी बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर आपका फर्ज बनता है कि जो लड़की आपके लिए तैयार हुई है उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट तो दे ही दो। हो सकता है कि लास्ट मुलाकात हो, या हो सकता है कि आपके लाइफ की पहली मुलाकात हो, दोनों ही केस में आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। और इसके अलावा आप कुछ भी बात कर सकते हो कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपको लड़की को कंफर्ट जोन में लाना जरूरी है। और एक चीज यहाँ पर याद रखना कि उसको जज मत करना। आप यहाँ पर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं ले रहे हो कि ये आता है, वो आता है, ऐसा आता है, वैसा आता है, नहीं। और एक यहाँ पर बहुत बड़ी चीज कि आप पति बनने के लायक हो या नहीं, ये अपने आप से पूछ लेना। कहीं पता लगा तुम तो कॉलर टाइट करके चल दिए देखने कि क्या तुम अच्छी वाइफ बन सकती हो, बल्कि तुम्हें खुद को श्योरिटी नहीं है कि भैया तुम एक अच्छे हस्बैंड बन सकते हो कि नहीं। शादी का तराजू ना बराबर होना चाहिए, एक तरफ उठ गिर जाता है ना तो मजा नहीं आता। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी बातें अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अगर आप नए हो और ऐसी वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। उसके बगल में घंटा आता है, उसको दबाना बहुत जरूरी है। वीडियोस ना उसी से आती हैं, तो उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।